भाजपा और कांग्रेस हुई आमने सामने। चार्जशीट पर भाजपा ने घेरा कांग्रेस को, तो वहीं कांग्रेस ने भाजपा पर लगाया जनता को गुमराह करने का आरोप। विक्टोरिया पुल के पास मिलेगी पार्किंग की सुविधा। नए बन रहे पुल पर किया जाएगा पार्किंग का प्रावधान। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव आशीष शर्मा ने दी जानकारी। विश्व एड्स दिवस पर विभिन्न शिक्षण संस्थानों ने निकाली रैली, लोगों को जागरूक करने का किया प्रयास। और प्रदेश में 3 महीनों से नहीं हुई बारिश, किसान बागवान हुए परेशान व निराश। सरकार से मुआवजे की कर रहे हैं गुहार। इसी तरह बागवान भी बगीचों के रखरखाव के लिए एक बार अच्छी बारिश व बर्फबारी की आस में है। बारिश होने से जमीन में कुछ नमी आएगी और फिर वे बगीचों का कामकाज शुरू कर सकते हैं। पिछले कई दिनों से लगातार धूप के होने से मौसम का रुख ऐसा बना हुआ है कि आने वाले दिनों में जल्द बारिश होने की आशंका नहीं दिख रही है। वहीं चंबा जिला के किसानों का कहना है कि पिछले 3 महीने से बारिश न होने से वे अभी तक गेहूं और सरसों की फसल की बिजाई नहीं कर पाए हैं। उनका कहना है कि दिसंबर महीना शुरू हो गया है और इस महीने बर्फबारी भी हो जाती है, किंतु यहां तो बारिश भी नहीं हो रही है। किसानों का कहना है कि बारिश बर्फबारी न होने के कारण फसल की अच्छी पैदावार न होने से गरीब किसान कहां जाए, और वे सरकार से चाहते हैं कि सरकार किसानों के बारे में सोचे और उन्हें मुआवजा दिया जाए। गौरतलब है कि चंबा जिला की 15,000 से अधिक हेक्टेयर भूमि पे अभी तक किसानों ने एक दाना भी गेहूं और सरसों का नहीं बीजा है। किसान बिजाई करने के लिए 2 महीने लेट हो गए हैं। अभी तक गेहूं और सरसों की फसल 1 से 2 इंच तक उगाती थी, लेकिन चंबा जिला के किसान आसमान की तरफ टुकटुकी लगा के बैठे हुए हैं कि कब आसमान से इंद्रदेव मेहरबान हो जाएं और कब किसान अपने खेतों में गेहूं की फसल बीज सके। आपको बताते चले कि चंबा जिला के अधिकतर किसान गेहूं और सरसों की फसल पर निर्भर होते हैं और उनका परिवार इन्हीं फसलों से चलता है, लेकिन समय पर बारिश न होने से हर किसी को अपने परिवार की चिंता सताने लगी है और किसान अब सरकार से मुआवजे की मांग करने लगे हैं। वीरवार को मनाली के साथ लगते गांव शनांग में कुल्लू फल उत्पादक संघ द्वारा किसानों बागवानों के लिए प्रोनिंग कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें घाटे के बागवानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कैंप में बागवानों को सेब के बगीचों में ले जाकर ट्रेनिंग दी गई और प्रोनिंग के गुर सिखाए गए। कुल्लू फल उत्पादक संघ के प्रधान महेंद्र उपाध्याय ने बताया कि इसका मुख्य मकसद यह है कि कुल्लू के बागवान प्रोनिंग का उचित ज्ञान लें। अक्सर यह देखा गया है कि कुल्लू घाटी के बागवानों को प्रोनिंग को लेकर जानकारी कम है, जिसकी वजह से सेब की क्वालिटी और साइज कम रहता है। इसलिए शिमला से आए बागवानों ने स्थानीय बागवानों को प्रोनिंग के बारे में जानकारी मुहैया करवाई। शिमला से आए बागवान सुरेश कुमार ने घाटी के बागवानों के साथ अपने विचार साझा किए और प्रोनिंग के बारे में बागवानों को विस्तृत जानकारी दी। वीरवार को नगर परिषद कार्यालय में आयोजित बैठक की अध्यक्षता नगर परिषद अध्यक्षा नीलम शर्मा ने की। बैठक से संबंधित जानकारी देते हुए अध्यक्षा ने बताया कि बैठक में जिन वार्डों में लोगों द्वारा सीवरेज का कनेक्शन नहीं लिया गया है, उनको लेकर रणनीति बनाई गई। साथ ही उन्होंने बताया कि टाउन हॉल में शिफ्ट किए गए नगर परिषद कार्यालय में अधिकारियों व कर्मचारियों को कुछ परेशानियों से दो-चार होना पड़ रहा है, जिसको लेकर भी चर्चा की गई। वहीं उन्होंने बताया कि बैठक में नगर परिषद द्वारा बनाए जाने वाले नए भवन को लेकर भी सभी के साथ चर्चा की गई और निर्णय लिया गया कि नए भवन में पार्किंग सुविधा के साथ ही रेडी पड़ी वालों को भी स्थान दिया जाएगा। बैठक में नगर परिषद उपाध्यक्ष विशाल ठाकुर, कार्यकारी अधिकारी उर्वशी वालिया सहित सभी वार्ड पार्षदों ने भाग लिया और विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। आजकल शिक्षण संस्थानों में खेलकूद प्रतियोगिताओं का दौर जारी है। इसी कड़ी में 5 दिसंबर को राजकीय महाविद्यालय कॉलेज बिलासपुर में कबड्डी वुमेन इंटर चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न महाविद्यालय अपनी भागीदारी सुनिश्चित करवा रहे हैं। वहीं वल्लभ कॉलेज मंडी की 12 महिला खिलाड़ियों की टीम भी कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लेने जा रही है। स्पोर्ट्स इंचार्ज भवन प्रकाश गौड़ ने बताया कि वहीं 7 दिसंबर से 8 दिसंबर तक राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर में एथलेटिक्स वुमेन इंटर चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। पंडो में भी विश्व एड्स दिवस पर नॉवल कॉलेज, पांडवा पब्लिक स्कूल, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पंडो के छात्र छात्राओं व अध्यापकों ने जागरूकता रैली निकाली। साथ ही स्लोगनों के माध्यम से लोगों को एड्स के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया। गौर है कि इस तरह की जागरूकता रैलियों के माध्यम से लोगों में एड्स बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ी है और इसके चलते एड्स का ग्राफ दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है।
अकेले होके जाना ये दुनिया है वीराना, अकेले होके जाना ये दुनिया है वीराना। खुशी हो या गम है ना पता है। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर ना कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। के लिए हमें ईमेल करें knewschannel@gmail.com। अपने फोटो के साथ साथ अपना नाम व पता लिखना ना भूलें। आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी फोटो को हमें ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए भेजना है, जिससे आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। हमीरपुर में भाजपा और कांग्रेस हुई आमने सामने। चार्जशीट पर भाजपा ने घेरा कांग्रेस को, तो वहीं कांग्रेस ने भाजपा पर लगाया जनता को गुमराह करने का आरोप। विक्टोरिया पुल के पास मिलेगी पार्किंग की सुविधा, नए बन रहे पुल पर किया जाएगा पार्किंग का प्रावधान। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव आशीष शर्मा ने दी जानकारी। विश्व एड्स दिवस पर विभिन्न शिक्षण संस्थानों ने निकाली रैली, लोगों को जागरूक करने का किया प्रयास। और प्रदेश में 3 महीनों से नहीं हुई बारिश, किसान बागवान हुए परेशान व निराश, सरकार से मुआवजे की कर रहे हैं गुहार। बोल बिंदास बोल। देश में जिस तरह के आज के वक्त में हालात पैदा किए गए हैं, उसके लिए हम कठोर शब्दों में निंदा करेंगे। जिस तरह से एनडीए की सरकार देश में आई थी, पूरे देश की जनता ने उनको पूर्ण बहुमत भी दिया और बहुमत के साथ उन्होंने जो सत्ता में आने से पहले वायदे किए थे, आज 3 वर्ष होने के आगे परंतु उनके उन वायदों का कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, एनडीए को भाजपा को सत्ता में लाइए, अच्छे दिन आएंगे, परंतु आज दिन तक अच्छे दिन नहीं आए।
बोल बिंदास बोल। उस सरकार की कठोर शब्दों में निंदा करते हैं, ये व्यवस्था करें, ना कि रोज रोज बयान बदल रहे हैं, उसके लिए हम निंदा कर रहे हैं। और एक युवा होने के नाते हम मोदी जी से भी कहना चाहते हैं, इस बोल बिंदास बोल के कार्यक्रम में हम कहना चाहते हैं, उनको कहना चाहते हैं कि अगर देश में कोई आप नियम लाना चाहते हैं तो उसके लिए व्यवस्था भी उस तरह की करें, आपके साथ पूरा देश हो सकता था, परंतु आपने व्यवस्था ना बनाने के वजह से आम जनमानस को आज लाइन में खड़ा कर दिया है। ये पिछले 3 सालों में आपने एक काम देश की जनता के लिए किया है, इसके अलावा जितने आपने वायदे किए उन वायदों को आपने भूल दिया है, अच्छे दिनों को भूल दिया है, भ्रष्टाचार को भूल दिया है, उसके अलावा महंगाई को भूल दिया है, जितने भी वायदे किए थे तो उन सब चीजों को आप भूल गए हैं। बोल बिंदास बोल। मैं कालूराम वार्ड नंबर 4 से चांदनी पार्किंग में काम करता हूँ, और चांदनी पार्किंग में जो कमेटी वालों ने हमें जगह दी है स्कूल यार से आके हमें शिफ्ट किया हुआ है, मैं धन्यवाद करता हूँ उनका, और डीसी ऑफिस का भी। डीसी साहब ने भी हमें बोला कि आप यहाँ काम करके देखो, ट्राई मार के देखो, हमने सब ने मिलकर काम किया और किसी का काम यहाँ नहीं चल रहा है, और ना ही बोनी होती है ना ही पब्लिक का रुख इस तरफ है, लेकिन यहाँ चांदनी पार्किंग होते हुए भी धूप सेकते हैं लोग, आपने देखा होगा दुनिया भर के लोग यहाँ धूप सेकते हैं, लेकिन अंदर आने को पता नहीं क्या हो जाता है, अंदर एंट्री नहीं हो पा रही है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ गाड़ियाँ वालों को कितना भी बोले भाई यहाँ पार्किंग नहीं है नहीं है, तो गाड़ी वाले अंदर आ ही जाते हैं और लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं, तो इसके लिए भी प्रशासन उन पर रोक लगाए, हमने एप्लीकेशन भी दी हुई है सिटी चौकी में भी दी हुई है, तो लेकिन उस पर कोई गौर नहीं किया गया, और ना ही ये जो हमारे कुछ रेडी वाले भाई हैं जो बाहर की तरफ मुंह किए हुए हैं, ये बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंदर की तरफ होना चाहिए ताकि सबका काम चल सके, सब पब्लिक जो है राउंड फिगर में राउंड लगाए और सबको देखें कि यहाँ किस किस का काम चला हुआ है और चलेगा। हमने काफ़ी प्रयास किया इस मार्केट को चलाने में, लेकिन कुछ रेडिया बंद भी है, लेकिन बंद किस लिए है ये प्रशासन नहीं सोचता, क्योंकि बंद इसलिए है क्योंकि उनका रोजी रोटी नहीं चल रही है, ना ही कोई काम चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं उन भाइयों को बोलता हूँ कि वो रेडिया खोले, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें यहाँ 7 महीने हो गए आए हुए तो, लेकिन हमारी कोई भी देख रेख नहीं हो रही है, ना ही कोई सिस्टम बन रहा है, और सारे भाई एक मेरे बंधु को यहाँ जो रेडीमेड के काम करते हैं बालकराम जी, उनको एक दिन यहाँ NH की तार है जो हैवी तार है और एंगल लगे हुए हैं लोहे के, तो वहाँ भी उनको करंट आ गया था, वो मरने से बचे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि ये एंगल भी थोड़ा डाउन हो जाए ताकि आप प्रशासन भी देख सकता है, हर एक आदमी देखता है कि यहाँ लाइन बहुत हैवी है और HD लाइन है कि जो खतरे से खाली नहीं है, कोई भी आदमी मर सकता है, घटना हो सकती है, तो मैं चाहता हूँ कमेटी वालों से भी और DC ऑफ से भी कि भाई इसका कोई हल किया जाए और ये जो होल्डिंग है सारी थोड़ी डाउन हो जाए और हमारी मार्केट एंड बढ़िया तरीके से की जाए। कमेटी वालों ने कहा यहाँ गेट लगाया जाएगा, यहाँ वो डाला जाएगा, वो कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं यही चाहता हूँ प्रशासन से कि हमारी कुछ मदद की जाए, कोई प्रशासन मंत्री से भी यही गुजारिश है कि मंत्री भी हमारे बारे में सोचे और कुछ गरीब आदमी के बारे में सोचे। हर एक आदमी एक ही बात करता है, पार्किंग पार्किंग पार्किंग, हर एक आदमी ये बात क्यों नहीं करता कि गरीब भी रोटी खा रहा है और खाएगा, क्या इसको हक नहीं है रोटी खाने का, क्या गरीब आदमी को हक नहीं है काम करने का। बोल बिंदास बोल। हमारे क्षेत्र में जो है तो मेरी पंचायत में जो है तो आज तक राजा वीरभद्र की ध्यान है, ठाकरे कौल सिंह की ध्यान है, अभी अभी भी जो है तो हमने PSC ली, पटवार खाना लिया, वो स्वास्थ्य केंद्र लिया, तो इसके बाद जो है तो अभी मैं 25 तारीख को राज साहब से भी मिले थे, शिमला में मिला है ठाकरे पूर्णचंद की अध्यक्षता में। मेरे रोड की कमियां बहुत हैं, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट के लिए आने के लिए हमें रोड बहुत दूर पड़ता है, तो इसलिए जो है तो हमारा सरकार से यही निवेदन है कि हमारे रोड पर जो है तो हमें खर्च करना है, रोड के ही लिए हम पैसा लगा रहे हैं, जो 14 वित्त योग का पैसा भी आया, तो
वो भी हमने इसी रोड पे लगाया। बोल बिंदास बोल। सिर्फ 2000 नोटों की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कई बार बुजुर्ग लोग आते हैं 100 रुपए का सामान ले जाते हैं, नोट 2000 का होता है और 1900 रुपए कहाँ से देना बेचारे ला लेने भी, बोले चेंज ही नहीं है कहाँ से। और मेरे को 6 दिन आज आते आते हुए 2-4 बंदे ऐसे मिले, भाई बैंकों में जो पैसा भीड़ पड़ी हुई है 2000 मिलना कुल जरूरत तो ज़्यादा थी, ऐसी समस्या ज़्यादा। बोल बिंदास बोल। हमीरपुर में भाजपा और कांग्रेस हुई आमने सामने, चार्जशीट पर भाजपा ने घेरा कांग्रेस को तो वहीं कांग्रेस ने भाजपा पर लगाया जनता को गुमराह करने का आरोप। विक्टोरिया पुल के पास मिलेगी पार्किंग की सुविधा, नए बन रहे पुल पर किया जाएगा पार्किंग का प्रावधान, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव आशीष शर्मा ने दी जानकारी। विश्व एड्स दिवस पर विभिन्न शिक्षण संस्थानों ने निकाली रैली, लोगों को जागरूक करने का किया प्रयास। और प्रदेश में 3 महीनों से नहीं हुई बारिश, किसान बागवान हुए परेशान व निराश, सरकार से मुआवजे की कर रहे हैं गुहार। के लिए हमें ईमेल करें knewschannel@gmail.com। अपने फोटो के साथ साथ अपना नाम व पता लिखना ना भूलें। आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी फोटो को हमें ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए भेजना है, जिससे आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं।